हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन अनुराधा मैम का कि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का। तो इस प्लेटफॉर्म की मदद से हमें बहुत कुछ जानने को मिला है, अपने सराउंडिंग्स में बहुत कुछ हमें जानने को मिला है, बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है हमें इसकी वजह से। अस्सलामु अलैकुम आदाब, मेरा नाम हिना फरहत है, टीचर गवर्नमेंट यूपीएस बंशाला, जोन गुंदना डोडा। आप देख रहे हैं यहाँ पे चिनाब का ये जो व्यू है, हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं ताकि इन्हें हम विजुअल दिखा सके अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये जो चिनाब सबसे बड़ा ब्यूटी पॉइंट है, ये चिनाब है, इसके बारे में हम इनको दिखा रहे हैं, इनकी हिस्ट्री इनको बता रहे हैं इसके बारे में, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कहाँ को जाता है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस करता है, ये कितना फैलाव है, कितना वास्ट है ये। तो बहुत सारा बच्चे यहाँ पे नॉलेज हासिल कर रहे हैं। ये सब जो है क्रेडिट जाता है हमारी डायरेक्टर मैम अनुराधा जी, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को। गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आपका खुशामदीद है। मैं मंजूर अहमद, टीचर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कुमराल, एजुकेशन जोन गुंदना डोडा से। हमारे पीछे जो व्यू आप देख रहे हैं ये है चिनाब रिवर का व्यू। जी हाँ, तो इसकी कहानी हम पार्ट टू लेकर आए हैं। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी वर्थी डायरेक्टर मैम अनुराधा जी का, जिन्होंने एक हमें अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दिया। तो मेरे साथ आज स्नोबर हैं, स्नोबर से हम गुफ्तगू करेंगे। स्नोबर, क्या आपको पता है कि जो हमारे इस चिनाब के जो आसपास जो बसी सिटियां हैं, सिटीज, वो कौन कौन सी सिटीज हैं, क्या उनके नाम आपको मालूम है? जी हाँ, मुझे मालूम है। जरा आप बताएं कौन कौन से नाम है वो? सबसे पहला है थ्रोट, उसके बाद आता है उदयपुर, कुर्थी, पिंडारो, केलार, चंद्रकोट, रामबन, डोडा, अखनूर और रियासी। तो स्नोबर, आप मुझे बताएं कि जो हमारा ये चनाब जो दरिया है, इसकी जो आसपास जो नदियां हैं, तो क्या उनके नाम हमें आप बताएं? हाँ, सबसे पहली जो नदी होती है वो होती है, उसका नाम है म्यार नाला। उसके बाद मार सुंदर, सोहल, बटनाला, छोट, लिद्राड़ी, सियाचिन नाला, मुनावर वाली, झेलम और रावी। ये इनकी जो आपस की जो सहायक नदियां हैं, इसकी जो हम कहेंगे, ठीक है, ये चिनाब की जो है सहायक नदियां हैं। तो आज हम बात करेंगे चिनाब रिवर के बारे में। तो हम पूरा चिनाब रिवर पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन कहां से होता है और इसका एंड कहां पे होता है। तो बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो इसका ओरिजिन जो है हिमाचल प्रदेश में होता है। तो सबसे पहला जो हिमाचल प्रदेश का एक ग्लेशियर है जिसका नाम बारालाचा ग्लेशियर है, जो नॉर्थ में है, तो वहाँ से एक हमारी छोटी सी स्ट्रीम निकलती है जिसके साथ सूरज ताल का वाटर भी ऐड होता है, तो वो हमारी एक स्ट्रीम बनती है चिनाब रिवर की, भागा स्ट्रीम। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रीम है हमारी चिनाब रिवर की, वो निकलती है बारा शिवरी ग्लेशियर से और चंद्रताल लेक से, जो साउथ में है, और वो दोनों स्ट्रीम जो है तांडी पे मिलती है, और यहाँ से हमारे चिनाब रिवर का जो हमारा चिनाब रिवर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसके बाद वो यहाँ से चांबा से निकल के हम संसारी नाला जो यहाँ पे है वो उससे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होती है। तो सबसे पहली जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये एंटर होती है उसका नाम है किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ में एंटर होते ही ये अर्थल में पहुँचती है, अर्थल एक जगह का नाम है किश्तवाड़ में। उसके बाद ये एक दूसरी जगह पे पहुँचती है जिसका नाम गुलाबगढ़ है। उसके बाद ये एक दूसरी जगह है जिसका नाम कुरिल है, वहाँ पहुँचती है। उसके बाद ये हमारे डोडा में एंटर होती है, तो डोडा में ये डोडा और बटोत को क्रॉस करती है। उसके बाद ये रामबन में जाती है और रामबन से निकल के ये रियासी में जाती है, और रियासी के बाद ये जम्मू के अखनूर से होते हुए पाकिस्तान के सियालकोट में जाती है। तो वहाँ से उसके बाद जो यहाँ पे हमारे एक झेलम रिवर है, वो पाकिस्तान का झेलम रिवर जो हमारे चिनाब के साथ मिलता है। उसके बाद जो चिनाब के साथ जो दूसरा रिवर मिलता है उसका नाम है रावी रिवर,
और उसके बाद सतलुज जो हमारा पंजाब का सतलुज है वो इसमें मिलता है, और उसके बाद जो लास्ट रिवर इसमें मिलता है उसको इंदस कहते हैं, सिंध रिवर भी कहते हैं। जो यहाँ पे पांचों रिवर्स मिल जाते हैं तो वहाँ पे पंजनद कहा इसको पंजनद कहा जाता है, जो मिथानकोट में है पाकिस्तान में, और उसके बाद ये जो है अरेबियन सी में चला जाता है और इसका एंड जो है अरेबियन सी है। समीर आप मुझे बताएं कि हमारे रिवर चनाब के ऊपर जो टोटल ब्रिजेस हैं जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में वो टोटल कितने हैं? जो हमारा जो चिनाब रिवर है उसमें कुल जो चार ब्रिजेस हैं, दो जो है वो हिमाचल प्रदेश के हैं और जो दूसरे दो है वो है जेएनके के। तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा ब्रिज कौन है? सबसे बड़ा ब्रिज है वो है रेलवे ब्रिज जो रियासी बक्कल में पाया जाता है, और इसकी जो हाइट है वो है 359 मीटर, और ये जो पेरिस में जो इफिल टावर है उससे 35 मीटर ये लंबा है, ऊंचा है। 35 मीटर जो पेरिस में जो टावर है इफिल टावर उससे 35 मीटर ऊंचा है, और ये रियासी बकल में है रेलवे ब्रिज, और जम्मू कश्मीर में ये सिचुएटेड है वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज रेलवे ब्रिज माना जाता है। तो दूसरा बड़ा ब्रिज कौन सा है? दूसरा बड़ा ब्रिज जो है वो है चिनाब ब्रिज यानी कि गणपत पुल, और ये डोडा जेएनके में पाया जाता है। डोडा जेएनके में पाया जाता है गणपत पुल है, ये मोटर ब्रिज है, मोटर रोड ब्रिज है, और इसका मैं आपको बता दूं 278 फीट ये इसकी हाइट है, 278 फीट इसकी हाइट है, यानी 86 मीटर इसकी हाइट अगर मीटर्स में हम देखें तो। इसका स्पैन जो है, इसका जो फैलाव है वो है 263 फुट इसका जो फैलाव है। तो इसके बाद और कौन सा है? और एक मैं बता दूं कि जो प्रेमनगर का जो ब्रिज है वो भी एक, वो थोड़ा सा वो फुट ब्रिज है, वो फुट ब्रिज है लेकिन उसकी भी एक कहानी है, वो 1966 में बना है और वो 460 फीट उसकी हाइट है, वो फुट ब्रिज है, प्रेमनगर में सिचुएटेड है, और उसकी खास कहानी ये है कि जो हमारे फर्स्ट सीएम और लास्ट पीएम जम्मू कश्मीर के गुलाम मोहम्मद सादिक सर थे, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। और इसके बाद हिमाचल में कौन से? हिमाचल में कुल दो ब्रिज है, जो पहला ब्रिज है वो है चिनियोत ब्रिज, चिनियोत ब्रिज, और ये इसको रबवा ब्रिज से भी जाना जाता है, रबवा ब्रिज भी इसको कहते हैं, ठीक। हाँ, और इसकी ये जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और इसके बाद? और इसके बाद इसकी जो इसकी लेंथ है वो है 350 मीटर। अच्छा, और इसके बाद और कोई ब्रिज? और उसके बाद है चुंद ब्रिज जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। लोकेटेड। ये थे ब्रिजेस चिनाब रिवर के ऊपर। सभा आप मुझे बताएं जो हमारा रिवर चिनाब है इसके ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात करें टोटल कितने हैं? टोटल इसमें 7 है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो जम्मू कश्मीर में कितने? जम्मू कश्मीर में 3 है। जम्मू कश्मीर में 3 है, कौन कौन से है? सबसे पहला और ओल्डेस्ट जो है वो है सलाल। सलाल ये कहाँ पे पड़ता है? रियासी उधमपुर में। रियासी उधमपुर में सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सबसे ओल्डेस्ट है जो चिनाब के ऊपर है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है बगलिया डैम। बगलिया डैम ये कहाँ पे है? ये चंद्रकोट रामबन में है। चंद्रकोट रामबन में है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये दूसरे नंबर का है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है डोलहस्ती। डोलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे पड़ता है? किश्तवाड़ में। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो सुनोवर आप मुझे बताएं कि हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? हिमाचल प्रदेश में 4 है। 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है छात्रु जो 108 मेगावाट का है, वो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। दूसरा? दूसरा है थ्रोट, वो 4.5 मेगावाट का है, वो भी लाहौल स्पीति में है। थ्रोट। और तीसरा है सेली। सेली ये कहाँ है? वो चंबा में है। कितना है? 454 मेगावाट का है। 454 मेगावाट। और लास्ट है रोली जो 500 मेगावाट का है और ये भी चंबा में सिचुएटेड है। ये रोली जो है 500 मेगावाट का और ये भी सिचुएटेड चंबा में है। तो इसकी मैं और एक बात आपको बता दूं कि जो हमारा जो रिवर चिनाब है इसके रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है, इसके कुछ रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है, यानी रिलीजियस इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि हर मजहब के लोग इसको मानते हैं, इसके कुछ रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी हैं। अगर इस पर हम डिस्कस करें तो काफ़ी लंबा जाएगा। तो हाँ, और एक जो मशहूर पोएट आपने सुना होगा कि इंदिरा गोस्वामी जी हमारी इंडिया की मशहूर पोएट है और बड़ी फेमस पोएट है, इंग्लिश पोएट है, और उन्होंने इसके ऊपर एक पोएम लिखी है। तो काफ़ी सारे शायरों ने लिखी है, काफ़ी सारे अदीबों ने लिखी है इसके ऊपर कहानी, लेकिन इंग्लिश में जो हमारी इंदिरा गोस्वामी जी है पोएट, उन्होंने भी इसके ऊपर लिखी है। तो ये ओवरऑल जो था
चिनाब रिवर का जो हम आपको सफर सुना रहे थे इन बच्चों के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि हम नेक्स्ट किसी स्टोरी के साथ आपके साथ कुछ दिन के बाद फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया, आदाब।